नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक अच्छी जानकारी लेकर आई है आप सभी के लिए, जो पशुपालक है, पशुधन सहायक है, वेटरनरी वाले हैं, और इसके अलावा जो डेयरी चलाते हैं, दुग्ध जिनके उत्पादन होता है, दूध का काम करते हैं डेयरी का, उन सभी के लिए एक अच्छी जानकारी न्यूज़ है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना, जानकारी बहुत अच्छी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, जानकारी जो है, न्यूज़ है, वो इससे रिलेटेड है कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड ने जो है एक जो योजना चल रही है, गोपाल राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना चल रही है, उसके अंदर जो है गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इसमें जो है जो पशुपालक है और जो डेयरी संचालक है, पशुधन सहायक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों, इसकी जो पूरी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि ये है क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करें, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके अंतर्गत जो है पुरस्कार क्या मिलेगा, अवार्ड क्या मिलेगा, इसकी जो है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। और जो साथी अभी हमारे चैनल पर नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि वेटरनरी पशुधन सहायक पशुपालन से संबंधित न्यूज़ कभी भी जारी हो तो उससे आपके मोबाइल में सबसे पहले न्यूज़ मिल सके। दोस्तों, शुरू कर देते हैं वीडियो को और देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि जो गोपाल रत्न है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चल रही है, उसमें क्या है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान, देखिए दोस्तों, 20 जुलाई 2021 का लेटर जारी हुआ है, गोकुल रत्न अवार्ड 2021-22। समस्त अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र पशुपालन विभाग राजस्थान, समस्त जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान और उप निदेशक पशुपालन विभाग कुचामन सिटी। विषय है कि वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत गोपाल रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन किए जाने के क्रम में। दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना चल रही है, उसके अंदर जो है गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी और डिटेल्स में बताता हूँ। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग, भारत सरकार के पत्रांक एफ नंबर 19-1-2020, DP दिनांक 21 जून 2021। देखते हैं कि उपरोक्त प्रासंगिक विषयांगत लेख है कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गाय या भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाना है। एक बार वापस सुने दोस्तों कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गाय और भैंसों के प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, ठीक है दोस्तों, क्या है कि गाय भैंस की प्रमाणित स्वदेशी नस्ल यानी देसी नस्लों की डेयरी करने वाले किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन यानी कि LSA, पशुधन सहायक या फिर वेटरनेरियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाना है, ठीक है दोस्तों। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर सायंकाल 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। अब ऑनलाइन आवेदन कौन सी वेबसाइट पर करना है, मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। अथवा आपसे अपेक्षा है कि अपने अधीनस्थ समस्त संस्थाओं के माध्यम से उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करावे, ताकि इच्छुक पात्र व्यक्ति अधिकाधिक संख्या में आवेदन कर सके, ठीक है दोस्तों। गाय भैंस की प्रमाणित स्वदेशी नस्ल होनी चाहिए, स्वदेशी नस्ल की डेयरी करने वाले किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान पशुधन सहायक तकनीशियन
और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाना है इसके साथ। और 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक इसमें ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि योजना का उद्देश्य, जो ये राष्ट्रीय गोपालन जो योजना चल रही है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी दुधारू नस्लों दुधारू गायों में वैज्ञानिक तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशों को 100% AI कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना है। और तीसरा उद्देश्य है कि सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को विकसित होने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है दोस्तों, ये है इस योजना के उद्देश्य। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, आवेदन में आपको बता देता हूँ आवेदन किस प्रकार किया जाना है। सभी इच्छुक किसान दोस्तों ध्यान से सुनना, सभी साथी, सभी इच्छुक किसान, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियां इस गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन पशुपालन मत्स्य और डेयरी विभाग भारत सरकार की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर 15 सितंबर सायकाल 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी वेबसाइट है इसकी, www.dahd.nic.in पर 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए, जाना आवश्यक है कि प्रत्येक श्रेणी में एक से अधिक आवेदन नहीं करें, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यानी कि जो किसान का, कृत्रिम गर्भाधान का और दूध उत्पादक जो कंपनी है, इसमें तीनों में से किसी एक में ही आपको आवेदन करना है, तीनों में आवेदन नहीं करना है, या नहीं तो आपका जो है आवेदन निरस्त हो सकता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अन्य जानकारी कि गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवश्यक पात्रता, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए आवश्यक पात्रता। तो फर्स्ट है कि इस पुरस्कार के लिए वही किसान प्राप्त है जो गाय की प्रमाणित स्वदेशी 50 नस्लों अथवा 50 गाय की स्वप्रमाणित जो स्वदेशी नस्ल है प्रमाणित, अथवा भैंस की 17 देसी प्रमाणित नस्लों में से किसी एक का पालन करता हो। ठीक है दोस्तों, क्या गाय की 50 नस्ल और भैंस की 17 देसी नस्लों में से किसी एक का आप पालन करते हो तो आपको ये पात्रता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राज्य या राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड या दुग्ध फेडरेशन या गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र का कोई भी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जिसने इस कार्य के लिए कम से कम 90 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए कम से कम आपके पास 90 दिन का प्रशिक्षण जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए, कम से कम 90 दिन का, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तीसरा है सहकारी या कंपनी अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर स्थापित सहकारी समिति या MPC या FPO दुग्ध उत्पादक कंपनी जो प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन करती है, कितना प्रतिदिन 100 लीटर का, और उनके साथ कम से कम 50 किसान सदस्य होने चाहिए उस डेयरी के माध्यम से। ये है अपनी आवश्यकता गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए। अब जो है गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए जो मिलने वाले जो पुरस्कार है, अधिकतम धन राशि है, पैसा है, मनी वो कितनी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए तीनों श्रेणी में, ठीक है दोस्तों, तीनों किसान, कृत्रिम गर्भाधान और डेयरी वालों के लिए तीनों श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये की राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी है, प्रथम वालों के लिए, द्वितीय वालों के और तृतीय वालों के लिए प्रत्येक श्रेणी में, अलग अलग प्रत्येक श्रेणी में 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये के आपको जो है पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाएगी।
और अन्य जो सभी जानकारी है वो पशुपालन मत्स्य डेयरी विभाग भारत सरकार की वेबसाइट www.dahd.net.in या ई गोपाला ऐप पर जाकर आसानी से देखी जा सकती है। तो ये है अपनी गोपाल रत्न पुरस्कार की पूरी कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा जो जानकारी है वो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका जो PDF है, जो नोटिफिकेशन है, वो प्राप्त करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है किसान पालकों को लिए, ये टेक्नीशियन के लिए और जो डेयरी चलाते हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो इसकी जो कंप्लीट गाइडलाइंस है, जानकारी है, वो पूरी इसमें दे रखी है, जो आप स्वयं देख सकते हैं। इसको जो PDF है इसको प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके ये प्राप्त कर सकते हैं।